कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। तमाम बंदिशें फिर से लागू कर दी गई हैं, लेकिन बिहार में लोग सुधरने के लिए राजी नहीं हैं। तस्वीरें आजमनगर प्रखंड कार्यालय की है, जहां किसी ने मास्क नहीं पहना है, ना तो सरकारी कर्मी ना ही जनप्रतिनिधि। लेकिन हड़कंप तब मच गया जब मीडिया के कैमरे पर लोगों की नजर पड़ी। आनन फानन में लोग मास्क पहनने के लिए इधर उधर खिसकने लगे। इस संबंध में पूछे जाने पर सीडीपीओ और सीआई ने बताया कि कोविड 19 का उल्लंघन करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। कोरोना के लिए लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, सदन चेकिंग चलता है, और जो मास्क पहन के नहीं रहते हैं उससे फाइन भी लिया जाता है। कि सारे को जागरूक तो पहले कर रहे हैं हम लोग, और अभी वैक्सीन लगाने के लिए भी कहा जा रहा है कि जो जो जिनका पूरा हो गया है टाइम पहला डोज के बाद 84 डेज, उनको वैक्सीन लगवाया जा रहा है। और सारे लोग मास्क पहन के बाहर निकले, और जो ये दूरी मेंटेन करना है। आजमनगर सालमारी मार्ग पर बीडीओ के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया था, और बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूला गया था। अब सवाल ये है कि आम आदमी पर लागू होने वाला नियम सरकारी बाबुओं पर क्यों नहीं लागू होता? जयप्रकाश भगत, टाइम्स न्यूज, आजमनगर।